स्वागत है पे, which is a part of, uh, तो जरा शुरुआत करते हैं अपने रिविजन के पार्ट की और देखते हैं कि कौन कौन से आज क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके रिविजन के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि आपके स्पेशल क्लासेस में जो की अन अकेडमी पे होते हैं वहाँ पे आपका एक ही क्लास हो रहा है जस्ट बिकॉज टाइम लिमिट और जो दूसरा वाला क्लास है जो शाम को चार बजे होता था ये अब आपका यूट्यूब पे होता है शाम को चार बजे ही ठीक है तो इन दोनों क्लासेस को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा दोनों क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं एंड जो बच्चे ऐसे हैं जो इस क्लास के बाद में सेवन ए एम करेंट अफेयर्स के क्लास में नहीं आ रहे हैं कोई भी रीजन है जिसकी वजह से आप नहीं आ रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप क्लास को रिकॉर्डेड मोड में जरूर से देख लें अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं करते हैं रीजन बींग अगर आप क्लास में नहीं आओगे अगर आप करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो तो चाहे जीके हो चाहे जीएस हो आप कितना भी घोल के क्यों ना पी लो तब भी आपका आंसर एग्जाम में नहीं बनने वाला क्योंकि करंट अफेयर्स ही डिसाइड करेगा कि जीके क्या आएगी करेंट अफेयर्स ही डिसाइड करेगा कि जीएस क्या आएगी तो जब डिसाइड करने वाला क्लास सुबह सात बजे का है तो काय को गोला टिकाना तो क्लास में जरा समय पर आया करें चलिए क्लास के लिंक को एक बार इसे लाइक और शेयर करिएगा शुरुआत करते हैं सवालों के साथ में पहला सवाल बताए पिछले वाले क्लास में भी मैंने आपको रैंकिंग पढ़ाई थी इस वाले क्लास में भी हम आपको 2021 की जो रैंकिंग है उसी के ऊपर क्वेश्चंस को कराने वाले हैं पहला सवाल व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पैसिफिक पर्सोनाइज हेल्थ इंडेक्स बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जब बात आएगी तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लंदन के अंदर देखने को मिलेगा इनके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो भी जारी किया जाता है और अभी हाल ही में जो डेमोक्रेसी डे है उसको सेलिब्रेट किया गया फिफ्टीन ऑफ सेप्टेम्बर को फिफ्टीन ऑफ सेप्टेम्बर जो है ये इंजीनियर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है इंडिया आपको नंबर टेन पे मिलेगा सेकेंड क्वेश्चन इनमें से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहां पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर जस्टिस जो है वो टाइमली डिलीवर किया जाता है उसके हिसाब से भारत का वो राज्य जो प्रथम स्थान पर आता है इंडिया के अंदर अगर हम रेप केसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेप केसेस हैं वो राजस्थान के अंदर है विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो अगर आप देखें सबसे ज़्यादा कहाँ है यूपी के अंदर मिलेगा लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा महाराष्ट्र क्या बनेगा महाराष्ट्र अगला सवाल 500 रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो की रैंकिंग आपको क्या मिलेगी वैसे अगर आप आजकल रैंकिंग की बात करें तो फोर्ब्स की रैंकिंग जो है वो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है चलो सुर्खियों की बात तो करेंगे लेकिन भाई सेशन को शेयर वेयर का ही नहीं करते हो कॉम्पिटिशन कर दिया अगर बाई शेयर है ऐसे ही तुम लोग सात बजे के क्लास को भी शेयर नहीं करते मैम कंपटीशन बढ़ रहा है समझ नहीं रही आप ठीक है लेट इट बी बट यू आर द चैंप ना अगला इंसान जो ज्वाइन जो करेगा और उसको समय लगेगा चीजों को समझने में तब तक तो, तो तुम एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाओगे समझ रहे हो क्योंकि उसने तो पहले से देखा ही नहीं एंड आप लोग पहले से देखा हुआ है तो आपको पता है ठीक है चलिए इसका आंसर बताएं तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फिफ्थ नंबर पे आपको मिलेगा लेकिन अगर आपसे फोर्स के हिसाब से पूछा जाए कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे कौन है तो सेकंड नंबर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर अदानी ग्रुप आपको नंबर पे मिलेगा एलन मस्क नंबर वन पे एंड नंबर थ्री पे जेफ बेजोस अगला सवाल विच ऑफ दी फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज देंस कंपनीट इंडिया रिस्क इंडेक्स कॉपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जो है वो इसमें से किसके द्वारा जारी किया गया है अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर एल आता है आप मुझे ये बताएं कि इसका आंसर क्या बनेगा इज द करेक्ट आंसर अगला सवाल विच कंट्री हैज बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020? इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर पूछा जा रहा है एक चीज का खास ख्याल रखिएगा ट्रेडिंग पार्टनर में अभी प्रेजेंट टाइम का जो डेटा है उसके हिसाब से चाइना इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है और अभी भी यही सेम आपको मिलेगा अगर आपसे कहा जाए कि ऑयल के लिए यानी कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो कहाँ से इम्पोर्ट करता है उस कंडीशन में आंसर ईरान हो जाएगा ओके नेक्स्ट चलेट विच ऑफ 2021? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर बनेगा एम आई टी यूएसए की है ये एम आई टी और अगर आपसे इंडिया की पूछी जाए तो आई मद्रास आई बॉम्बे जो है ये काफी ज्यादा टॉप आपकी क्या हो जाएंगी यूनिवर्सिटीज या फिर आपके आई कॉलेजेस हैं अगला यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसके अंदर बी टू सी यानी कि बिजनेस टू जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर अगर आप देखें तो इंडिया की रैंकिंग क्या है तो इंडिया यहाँ पर आपको 71 नंबर पर देखने को मिलेगा अगला इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 के अंदर कौन सी कंट्री है जो नंबर वन पे है अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स को हेरिटेज फाउंडेशन ने लॉन्च किया था एंड ये सवाल आपके एस ने पूछा भी था कि इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है वहां पे बहुत सारे बच्चे जो थे महान उन्होंने इसको गलत मार्क किया था तो आप इसको गलत मार्क मत हेरिटेज फाउंडेशन है इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर नेक्स्ट आह एयर क्वालिटी रिपोर्ट अगर कहा जाए कि मोस्ट तो पोल्यूटेड सिटी तो ये नहीं बदलेगा ये पहले भी यही था अभी भी यही है आने वाले समय में भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया है आगे भी यही रहेगा लेकिन अगर यहाँ पे लिखकर आ जाए बाय यूएसए रिपोर्ट तो यहाँ पे कहानी जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है अगला सवाल ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 सवाल में कहा जा रहा है किसके अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है तो इंडिया आपको नंबर सेवन पे मिलेगा अगर यहीं पे आपसे क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट पूछी जाए तो क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग नंबर टेन है एनवायरमेंट परसेप्शन इंडेक्स अगर पूछा जाए तो उसके हिसाब से टोटल 180 देशों में 180 नंबर पे कौन सी कंट्री है इंडिया है और नंबर वन पे कौन है नंबर वन पे डेनमार्क है ये नया वाला डेटा है जो मैंने आपको बताया है अगला सवाल सेंट्रल सेंक्शन एंड मॉनिटरिंग कमिटी सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आपको कितने हाउसेस का कंस्ट्रक्शन देखने को मिला तो पहली बात तो ये है कि आवास योजना जो है इसको पूरा करने का टारगेट 2022 था बट नहीं हो पाया तो अब इसके टारगेट को कितना कर दिया गया है चौबीस कर दिया गया इसका जो थीम है या फिर इसका जो मोटो है वो रखा गया है हाउसिंग फॉर ऑल क्या है हाउसिंग फॉर ऑल क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताएं टोटल अमाउंट तो ये हो गया पे इंडिया के लिए यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई कमेटी को हेड इसमें से कौन कर रहा है तो कमेटी को हेड किया जा रहा है के पी कृष्णन जी के द्वारा अगला सवाल हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी आपसे कहा जा रहा है कि ये बताएं कि इसके हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया तो निलेश शाह जी का अपॉइंटमेंट किया गया चलें नेक्स्ट पे आए बताएं चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अंदर किसको हेड के रूप में या फिर उसके मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है इसके अंदर गेस्ट के रूप में आपको कौन मिलेंगी आसाम की बॉक्सर कमेंट बॉक्स के अंदर नाम लिख के बताइए चलो हम बताई देते हैं लॉब मिलेंगी लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन हो जाएंगी मेरे कौन। जरीन की अगर बात करें तो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर क्लोजिंग सेरेमनी में इनके हाथ में ही फ्लैग था और अगर आपसे कहा जाए कि इन्होंने भी क्या बॉक्सिंग में चैंपियनशिप जीती है वर्ल्ड वाली जी हाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अगला सवाल स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी इसको सेट अप किया गया है RBI के द्वारा सवाल में कहा जा रहा है यूनिवर्सल बैंक और का किया गया है। right, तो ये था अपना अब आपसे अभी सात बजे के क्लास में मिलेंगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी रेलवे एनडीए सी स्टेट एस एस सी सात बजे का क्लास स्किप नहीं करना है उसके बाद में आपका सवा बजे आपका प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है फिर आपका बारह बजे जीके का क्लास यही यूट्यूब पे होता है और शाम को चार बजे का जो क्लास है क्रैश कोर्स वो भी आपका यूट्यूब पे ही होता है तो जब यूट्यूब पे आपको ये सारे क्लासेस मिल रहे हैं तो प्लीज डू ज्वाइन दम और इसके अलावा आपका जो पेड बैच है वो आज से स्टार्ट होने जा रहा है सुबह नौ बजे क्लास का समय होगा जहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट होगा ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको कोड यूज करना है प्रति के जिसके अंदर आपको ये सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे किसी का भी क्लास करो ये सारे एजुकेटर्स भी आपको मिलेंगे चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो ए टू जेड एनी एग्जामिनेशन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट एंड इज अवेलेबल ओके चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए Keep learning, keep revising. Bye bye and take care.